एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ लग्न के जातक और जातिका की कुंडली के बारे में। अगर आप भी वृषभ लग्न के जातक हैं या जातिका हैं तो आप अपनी कुंडली खोल लीजिए। आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि ग्रहों के प्रभाव राशि के अनुसार कैसे रहते हैं। जैसे कि ये आपको दिखा रहे हैं हम लोग वृषभ लग्न की कुंडली है। यह है दो नंबर लग्न है, अन्य वृषभ लग्न है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ राशियाँ हैं। यहाँ वृषभ राशि है, यह मिथुन राशि है, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष। इस तरह से वृषभ लग्न में ये राशियां बताइए आपको। इस राशियों में अगर जो भी ग्रह बैठे हैं, जैसे यहाँ पे पांच नंबर की राशि में सूर्य बैठा है, शुक्र बैठा है, यहाँ आठ नंबर की राशि में बृहस्पति है, सात नंबर में मंगल राहु है, तो इन ग्रहों का क्या फल होगा यह जानने के लिए हम आपको शुभ अशुभ स्थिति बताएंगे। तो आप भी अपनी कुंडली खोल के इसको देख सकते हैं। तो आपको पहले सर्वप्रथम देंगे कि वृषभ लग्न के जो जातक हैं उनके पास में जो सूर्य ग्रह है उसका क्या फल होगा अशुभ अशुभ। तो इसके जानने के लिए हम यहाँ देख सकते हैं। पहले तो हम बता दें कि ये केंद्र भाव जो है पहला, चौथा, सातवां, दसवां और ये त्रिकोण भाव पहला, पांचवा, नवा, ये भाव शुभ माने जाते हैं। ये छः, आठ, बारह भाव अशुभ माने जाते हैं। ये धन भाव है, ये तीसरा भाव और ग्यारह भाव लाभ का है। तो इस तरह केंद्र और त्रिकोण में अगर ग्रह शुभ ग्रह है, शुभ प्रभाव में है, अगर वो नीच राशि के नहीं है, वो अस्त नहीं है, उनकी डिग्री 10 से 20 डिग्री के बीच में है उन ग्रहों की, और शुभ प्रभाव में है, शुभ जगह बैठे हैं, तो वो अच्छे फल देंगे जब उनकी दशा अंतर दशा चलेगी। तो अब हम जानते हैं सूर्य ग्रह। अगर सूर्य ग्रह जो है इस कुंडली में वह है चौथे भाव का स्वामी, शुभ भाव का स्वामी होके अगर वो दो नंबर की राशि में बैठेगा लग्न में, तो वो अच्छे प्रभाव देगा, शुभ देगा। तीन नंबर में वो शुभ है, चार नंबर में शुभ है, पांच नंबर में सूर्य अपने घर में है वो भी शुभ है। यहाँ देखिए ये पांच नंबर में सूर्य बैठा है, ये शुभ है। छः नंबर में शुभ है, आठ नंबर में शुभ है, दस नंबर, ग्यारह और बारह। तो सूर्य की ये पोषण शुभ स्थिति बताइए। अब हम बताएं कि सूर्य कहाँ अशुभ होगा। तो पांचवें भाव का और चौथे भाव का मालिक होके सूर्य अगर सात नंबर की राशि में बैठेगा तो अशुभ है, और नौ नंबर की राशि में बैठेगा तो अशुभ है, मतलब वो छठे भाव में बैठेगा तो अशुभ है और आठवें भाव में बैठेगा तो अशुभ है। और एक नंबर जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, अगर सूर्य यहाँ बैठता है वृषभ लग्न में तो वो दोनों तरह के फल दे सकता है, शुभ अशुभ। तो इसके पश्चात हम जानेंगे चंद्रमा ग्रह। तो चंद्रमा को देखेंगे तो इस लग्न की कुंडली में पहले, दूसरे, तीसरे भाव का स्वामी है चंद्रमा, और वो चंद्रमा तीसरे भाव का स्वामी होके अगर दो नंबर की राशि या लग्न में बैठता है शुभ है। यहाँ पे तीन नंबर की राशि में बैठेगा शुभ है, चार नंबर अपने घर में बैठेगा शुभ है, पांच नंबर में शुभ है, छः नंबर में शुभ है, फिर दस, ग्यारह और बारह में शुभ है। इसकी अशुभ स्थिति बनती है चार नंबर जो है कर्क राशि, अगर वो तीसरे भाव का स्वामी होके वो एक नंबर की राशि में अशुभ है, फिर वहाँ से सात नंबर की राशि में अशुभ है, आठ नंबर की राशि में अशुभ है, नौ नंबर की राशि में अशुभ है। तो हम देखें इस कुंडली में जो हम एग्जाम्पल के लिए रखी है, यहाँ हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं। तो यहाँ चंद्रमा आप देखिए
11 नंबर के राशि में है। तो ये हमने आपको बताया कि 11 नंबर के राशि में शुभ होगा, तो आप भी अपने कुंडली में इस तरह से देख सकते हैं। इसके पश्चात हम जानेंगे मंगल ग्रह। तो वृषभ लग्न में मंगल के पास में दो डिपार्टमेंट है, एक है 12 भाव का स्वामी है और दूसरा 7 भाव का स्वामी है। तो 12वें और 7वें भाव का स्वामी होके मंगल अगर 2 नंबर की राशि यहाँ लग्न में बैठ जाएगा तो वो शुभ है। 5 नंबर की राशि चौथे भाव में बैठेगा तो शुभ है। 8वें नंबर की राशि में शुभ है क्योंकि यहाँ वो मंगल अपने घर में बैठ रहा है तो शुभ होगा। 8 नंबर हो गया। फिर 10 नंबर की राशि में शुभ है और 12 नंबर की राशि में शुभ है। तो मंगल की शुभ स्थिति बताइए। अब मंगल की जो कि 12वें भाव का और 7वें भाव का स्वामी होके 3 नंबर की अगर राशि है यहाँ बैठता है तो अशुभ है। 4 नंबर में अशुभ है, 6 नंबर में अशुभ है, 6 नंबर की राशि में अशुभ है, 7 नंबर की राशि में अशुभ है, 9 नंबर की राशि में अशुभ है और उसके बाद 11 नंबर की जो राशि है यहाँ भी अशुभ है। तो और 1 नंबर की जो राशि है यहाँ पे शुभ अशुभ दोनों तरह का फल देगा। तो इस जातक की कुंडली में मंगल बैठा है 7 नंबर, तो यहाँ पे ये अशुभ स्थिति है। इसके बाद में हम जानेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो बुध ग्रह के पास में यहाँ दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक धन भाव का डिपार्टमेंट है और दूसरा पंचम भाव का विद्या का डिपार्टमेंट है। तो दूसरा भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी होके बुध 2 नंबर की राशि में शुभ है, 3 नंबर की राशि में शुभ है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर राशि में शुभ है, 8 नंबर की राशि में शुभ है, 10 नंबर की राशि में शुभ है और 12 नंबर की राशि में शुभ है। बुध की जो अशुभ स्थिति बनती है वो 1 नंबर की राशि में, फिर 7 नंबर की राशि में, 9 नंबर की राशि में और 11 नंबर की राशि में। यहाँ पे बुध अशुभ है। तो इस कुंडली में हमने बुध को देखे, बुध यहाँ बैठा है 6 नंबर की राशि में, तो यहाँ पे अपने घर में बुध शुभ है। इसके पश्चात हम जानेंगे गुरु ग्रह के बारे में। तो गुरु ग्रह के पास भी दो डिपार्टमेंट है यहाँ पे एक वो अष्टम भाव का स्वामी है और दूसरा वो लाभ भाव का स्वामी है। तो अष्टम और लाभ भाव का स्वामी यानी 11वें भाव का स्वामी होके अगर गुरु 2 नंबर की राशि लग्न में बैठता है शुभ है, 3 नंबर की राशि में बैठेगा शुभ है, 4 और 5 में बैठेगा तो शुभ है, 6 में बैठेगा शुभ है, 8 में बैठेगा शुभ है। यहाँ अपनी राशि 8 नंबर में इस जातक कुंडली में वो 8 नंबर की राशि में बैठा है तो इसलिए ये बृहस्पति देखिए यहाँ बैठा है तो शुभ है। फिर वो 12 नंबर की राशि में शुभ है। अब गुरु की अशुभ स्थिति है अगर वो 1 नंबर राशि में बैठेगा अशुभ है, 7 नंबर में अशुभ है और 10 नंबर में वो अशुभ है। और शुभ अशुभ स्थिति जो बन रही है वो 9 नंबर की राशि में बन रही है और 10 नंबर की राशि में बन रही है। इस तरह हमने गुरु ग्रह के बारे में जाना। अब वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र की जो स्थिति है वो जानेंगे। यहाँ पे आपको बता दें कि शुक्र खुद लग्नेश है, लग्नेश है तो ये आपके लिए जो लग्न भाव का स्वामी होता है वो मुख्य ग्रह कहलाता है। तो आपका मुख्य ग्रह उसकी शुक्र हो गया। यहाँ पे वृषभ लग्न कुंडली में शुक्र के पास दो डिपार्टमेंट है, एक लग्न का भाव है और दूसरा है इसके पास में रोग ऋण शत्रु का भाव है, तो 6ठा भाव है। तो लग्न और 6ठे भाव का स्वामी होके शुक्र की जो पोजीशन है अगर वो 2 नंबर अपने घर में बैठेगा शुभ है, 3, 4 और 5 नंबर की राशि में शुभ है वो, 8, 8, 10, 11, 12, 11, 12 इन राशियों में ये शुभ स्थिति है। शुक्र जो अशुभ हो जाता है वो अगर 1 नंबर की राशि में बैठेगा तो अशुभ है, वो 6 नंबर की राशि में बैठेगा तो अशुभ है, फिर 7 नंबर की राशि में बैठेगा तो अशुभ है,
और 9 नंबर के राशि में बैठेगा तो अशुभ है। तो इस जातक के लिए शुक्र जो बैठा है वो 5 नंबर की राशि में बैठा है, जो कि हमने बताया वो शुभ है, तो यहाँ पे शुभ है वो। इसके पश्चात हम शनि ग्रह के बारे में जानेंगे। शनि ग्रह के पास में 2 डिपार्टमेंट है, एक भाग्य का डिपार्टमेंट 9वां भाव है और दूसरा कर्म का डिपार्टमेंट जो है 10वां भाव है। तो नवम भाव और दसम भाव के जो स्वामी होके अगर शनि जी 2 नंबर लग्न में बैठेंगे वो शुभ है, 3 नंबर में शुभ है, 3 नंबर की राशि में, 4 नंबर की राशि में शुभ है, फिर 6 नंबर की राशि में शुभ है, 7 नंबर की राशि में शुभ है, 8 नंबर की राशि में शुभ है, 10 नंबर की राशि में शुभ है, 11 नंबर की राशि में शुभ है। अपने घर में बैठे हैं और देखिए इस जातक कुंडली में भी शनि 11 नंबर की राशि में बैठे हैं तो शुभ है वो, और 12 नंबर की राशि में अगर शनि बैठेगा तो भी शुभ है। अब अशुभ स्थिति देखें तो 1 नंबर की राशि में अशुभ है, 5 नंबर की राशि में अशुभ है और 9 नंबर की राशि में अशुभ है। तो इस तरह शनि ग्रह के बारे में जाना। अब राहु की स्थिति देखें, अगर राहु 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर और 12 नंबर के राशि में बैठेगा तो ये शुभ है। अशुभ स्थिति है 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर और 11 नंबर में, 11 नंबर की राशि में राहु की अशुभ स्थिति है। केतु के बारे में जानेंगे तो केतु अगर 1 नंबर की राशि में बैठता है शुभ है, 4 में शुभ है, 6 में शुभ है, 7 में शुभ है, 9 में शुभ है, 10 में शुभ है, 12 में शुभ है। अशुभ स्थिति है 2 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि, 5 नंबर की राशि, 8 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि तो अशुभ है। तो इस कुंडली में केतु 1 नंबर की राशि में बैठा है तो ये शुभ है। तो इस प्रकार वृषभ लग्न के जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण खुद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि उनकी कुंडली में अगर ये जो भी ग्रह हमने बताए अगर वो उच्च के हैं, सौ राशि के हैं, अस्त नहीं है, 10 से 20 डिग्री के अंदर है, वक्री नहीं है, तो जब भी इनकी दशा अंतर दशाएं चलेगी तो जातक को जहाँ शुभ बताया वहाँ शुभ फल मिलेगा, जहाँ अशुभ बताया वहाँ पर उनका अशुभ फल प्राप्त होगा। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, मेरा मोबाइल नंबर है 9893234239। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दीजिए। मैं आपको अगर अपनी कुंडली का विश्लेषण टेलीफोन परामर्श के द्वारा कराना चाहते हैं तो छोटी सी दक्षिणा दे रहेगी। तो आपने इस तरह देखा कि आपका वृषभ लग्न है तो आप स्वयं किस तरह से अपने ग्रहों की शुभ अशुभ स्थिति जान सकते हैं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।